अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं आज आपको, मैं होंडा शोरूम पे हूँ। एक चीज़ आपको, मैंने जावेद साहब यहाँ पे जो होंडा कैपिटल पे हैं मैकेनिक, थोड़ा सा मैं इनका बताना चाह रहा हूँ कि इनका एक हुआ था मुकाबला जिसमें इनकी पांचवी पोजीशन आई थी। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, क्या हाल है? तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अगर एक सेकंड जी बंद कर दें, बिल्कुल कर दें, बताएंगे थोड़ा सा उस मुकाबले में क्या वहाँ पे हुआ था। सर 3 साल हो गए, अलाक होंडा सेंटर पे हुआ था। टेस्ट मुकाबला होता है, हमारे होंडा वाले बुलाते हैं कि कौन हमारे म्यार का काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और काफ़ी लोग आए थे लाहौर से, मर्दान से, इधर उधर से, तो काफ़ी लोगों का उन्होंने काम देखा। उसके बाद लाइफ भी उन्होंने चलाया, तो 5वां नंबर इंशाल्लाह मेरा है। आगे इंशाल्लाह रिपोर्ट अच्छी, मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी आएगा मुकाबला, तो इंशाल्लाह जीतेंगे हम, मेहनत कर रहे हैं। ठीक ठीक है सर। तो जी व्यूअर्स, ये अभी होंडा CG125 SC का ट्यूनअप करने लगे हैं और जो ओनर हैं इनके, उनसे हम पूछेंगे जी कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? नाम? मेरा नाम समीर जावेद। अच्छा, कुछ बताएंगे कि 125 SC का कब आपने लिया था, क्या मॉडल है ये? हमें 6 महीने हो गए हैं लिए हुए। अच्छा, यानी 2020 मॉडल है? 2020 मॉडल। अच्छा, तो चलने में इसकी बहुत अच्छी एवरेज है, पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी दे रहा है। अभी ट्यूनिंग करवा रहा हूँ मैं, 3 महीने हो गए हैं तब से ट्यूनिंग, 3 महीने के बाद ट्यूनिंग करवा रहा हूँ। अच्छा, कितनी चल गई है ये? चल गई है 4000 के करीब। 4000, यानी कि सेकेंड ट्यूनअप हो रहा है। अच्छा ठीक है। ट्यूनिंग के बाद ये इसकी साउंड काफ़ी जो है ना रिलायबल हो गया था, चलने में भी ठीक है, स्पीड वगैरह के लिहाज से भी ठीक है ये, और इतना काम से अभी नहीं निकालता। 3 महीने के बाद हम लोग ट्यूनिंग करवा रहे हैं। अच्छा, मतलब सादे CG में और इसमें आपने अगर क्या फ़र्क महसूस किया? इसमें फ़र्क यही है कि इसकी बनस्बत ये काम बहुत कम निकालता है, उसकी एवरेज इसकी अच्छी है, इंजन एवरेज बहुत अच्छी है और स्पीड के लिहाज से भी अच्छी है, वाइब्रेशन भी इसकी कम है। वाइब्रेशन और मेरा ख्याल है ग्रिप भी आप देखें तो थोड़ा हैवी, और ब्रेक्स का भी शायद फील किया, ब्रेक्स भी अच्छी हैं और बाकी उसकी वो जिसकी बैठ कम्फर्टेबल है बैठने के अंदर, सीटिंग के अंदर। तो व्यूअर्स, ये थे जो ओनर जो यूज़ कर रहे हैं और अभी ये ट्यूनअप के लिए जा रही है, और जावेद साहब भी यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं भी बताऊँ कि मुझे जो केबल डाल के दी, आप यकीन करें व्यूअर्स के ओरिजिनल में भी वो मज़ा नहीं था जो अभी सेटिंग। और मैं ख़ास इसीलिए आया हूँ कि जो अच्छा काम करे तो बताना चाहिए। ठीक है जावेद साहब, आप ले जाएँ। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि CG125 SC जैसे मेरा तो ब्लैक है, रेड कलर में है, और वाकई आप इधर आएँ G9 में तो मैं मतलब खुद गारंटी दे सकता हूं कि ज़बरदस्त होना पर जो भी काम किया। और कुछ ऐसी चीज़ें व्यूअर्स बताई जो कि नहीं बताते आम तौर पे, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि ब्रेक। अच्छा, एक चीज़ जावेद भाई ये बताएँ कि यहाँ आना चाहिए ब्रेक लगाने पर? नहीं सर, वैसे ही खड़े हुए। ओके, एक चीज मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, ये जो कोने है ना, जी जी, ये कोना इस कोने के जब बराबर जाएगा जी जी, फिर आपके ब्रेक शू डलने का इसका टाइम। अच्छा, और प्रेस किए तो, बगैर? हाँ जी, और ये नट भी आपका टाइट कर कर करके ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। व्यूअर्स ये देखें कि जैसे बताया कि खड़ी बाइक में अगर ये यहाँ यहाँ आ रहा है, ये सामने आ रहा है, तो आपका ब्रेक शू चेंज होना बगैर प्रेस किए। ओके जी व्यूअर्स, अब ये देखें फ्यूल फिल्टर। अच्छा राइट जी, ये जाली है, इसमें कोई कचरा नहीं है। अच्छा, कचरा नहीं है, ओरिजिनल टैंक की कचरा काम छोड़ती है। व्यूअर्स, जेन्युइन टैंक का ये होता है कि बता रहे हैं कि कचरा नहीं छोड़ेगी डेफिनेटली। अब जब आप दूसरा टैंक लगाते हैं तो वो क्वालिटी होती है, लो अंदर बनता है जंग, वो आ जाता है इधर, यहाँ भरता है, फिर भरता है, बेटर में जाता है, फिर उससे हेड में जाता है, फिर आगे नुक्स बढ़ता जाता है। ओके, अच्छा मुझे जैसे खुद नहीं पता था कि इससे फिल्टर भी होता है। जी बिल्कुल, इसमें एक फिल्टर ये है, इसके ऊपर भी लंबा फिल्टर एक वो। ओके हाँ, वो मैंने देखा है। और व्यूअर्स, इधर भी है जिसको खोल के उन्होंने सफाई की है, और बड़ी इस वजह से कार्बोरेटर खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो फिल्टर इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। ओके व्यूअर्स, ड्यूल फिल्टर है, इस वजह से इसके कार्बोरेटर को खोलने की ज़रूरत नहीं। और ये मैं मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैं खुद देख रहा हूँ कि वरना आम तौर पे खोला नहीं जाता। और समझें कि आज ये जावेद साहब ने एक और इजाफा कर दिया। अच्छा व्यूअर्स, ये जावेद साहब बता रहे हैं कि क्या ख़ास इसका ख्याल रखना है, इस जाली का ख्याल रखना है क्योंकि ये अगर उल्टी लग जाए तो फिर इसका
वो ऑयल का जो अंदर सप्लाई है ना, ओके, ऑयल छान के नहीं जाएगा, ऐसे कचरा भी जा सकता है, इंजन में नुकसान। तो ये किस पोजीशन में लगेगा? इस पोजीशन पे होती है, स्प्रिंग होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे ये नट लगता है। अच्छा जी, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जाते हैं बच्चा कोई चेंज कर रहा होता है तो जाली ऐसे करके नट लगा देते हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है मैंने देखा है खुद, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसको खास ख्याल से इस तरह लगने, व्यूअर्स ये देख ले कि जाली इधर लगेगी, ये इधर आया स्प्रिंग, फिर नट स्प्रिंग, और फिर ये आया जनाब इधर नट आया और इस पोजीशन में लगे। ये आप फिर देख लें, ठीक है जी। ये चीज़ें होती हैं जो बताने वाली। बिल्कुल व्यूअर्स, आम तौर पे मतलब आप जाते हैं तो मैकेनिक की कोशिश होती है कि ना ही कुछ बताएं, और अव्वल तो वो वैसे कोई माइंड करते हैं कि अगर जो ओनर है, जो ट्यूनिंग कराने जो बाइक लेके आए हैं, उनके दिल होते हैं वो साइड पे जाके बैठ जाए जी ऐसे। लेकिन ये बड़ा अच्छा, इसका हम फिल्टर दो रहे हैं, पहली दफ़ा दोनों फिल्टर, एयर फिल्टर पहली दफ़ा, ओके, ये डबल है, वॉश हो रहा जी। अच्छा जी, वॉश करने लगे व्यूअर्स। आज मैं ट्यूनअप डिटेल आपको थोड़ी सी बताऊँगा, और एक इनके जावेद साहब के हाथ से, जैसा मैंने आपको बताया कि विन भी किया था, और क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट, यानी ऐसी सेटिंग मुझे कर दी और इतने कम उसने कि अब मेरी बाइक में नॉर्मल केबल लग जाती है। सही निचोड़ते हैं, निचोड़ कर धूप पे रख देते हैं उस, ताकि ड्राई हो जाए और पूरी तरह इसमें से पेट्रोल क्लीन हो जाए। अच्छा जी व्यूअर्स, ये भी अच्छे तरीके से अच्छा डस्ट वगैरह आ जाती है। अब वो व्यूअर सूखेगा और उतनी देर में बाकी काम होंगे। व्यूअर्स अभी चेन को भी क्लीन करने लगे हैं, चेन की सफाई हो जाए, चेन की लाइफ बढ़ जाती है। अभी पेट्रोल से क्लीनिंग होगी, उसके बाद इस पर ऑयलिंग करेंगे और फिर चेन की लाइफ भी बढ़ जाती है। यहाँ पे देखें कि अच्छे तरीके से चेन क्लीन कर रहे हैं। व्यूअर्स, एक और चीज़ जो इन्होंने मुझे बताई कि पेट्रोल और एयर को, या मेरा ख्याल है इस तरह भी जब वॉश करना है तो बाइक ठंडी होनी चाहिए, बाइक गर्म नहीं होनी चाहिए, ख़ास इन्होंने कहा है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? कॉइलें जो है ना, इसकी ख़राब होने का चांस होता है, चांस है व्यूअर्स, इंजन का कलर भी चेंज हो जाता है। ओके 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 ओके, डेढ़ साल बाद जो है ना ख़राब हो जाता है। अच्छा जी व्यूअर्स, वाकई ही समझ आती है टेक्निकली, जैसे मैं खुद भी टेक्निकल हूँ, कि जब गर्म होती है बाइक तो इंजन का जो कलर है वो चेंज होने का खदशा है और कॉइल्स भी ख़राब होने का खदशा है। तो बेहतर है कि बिल्कुल तो स्पेशल है ना बाइक, नॉर्मल सादा मोटरसाइकिल होता तो मैग्नेट सामने ही था, फिर उसको पेट्रोल लगता है, कॉइलें हैं साथ गर्म, बिल्कुल सही है, फिर वो काम है ना, ओके वो ख़राब हो जाता है। ओके जी व्यूअर्स, कि सादे का यहीं पर कॉइल है तो एहतियात बेहतर है, बिल्कुल ठीक। वेयर सर्विस जब करानी है तो तब भी बाइक ठंडी होनी चाहिए। वेयर चेन को अब ऑयलिंग की जा रही है और ऑयल भी साफ, नया ऑयल, याद रखें कि पुराना नहीं, क्योंकि पुराना जो कहीं आप वर्कशॉप पे जाएं और गंदा ऑयल, वो ऑयल तो अपनी लाइफ पूरी कर चुका होता है। ऐसे ही जावेद साहब, वो मशीन से खराब करता है। अच्छा, बल्कि व्यूअर्स उसमें तो उल्टा जो मट्टी वट्टी वो तो समझे रेगमार का काम था, रेगमार वो उल्टा ख़राब करेगा। आप देखें कि आज व्यूअर्स एक दिन के आने से काफ़ी चीज़ें मुझे पता चल गई हैं, काफ़ी चीज़ें आपको भी पता चल गई हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें और बाइक की लाइफ बढ़ती है, यही होता है कि बेहतर जगह पर आएँ। और बिल्कुल आप इनका मैं नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, आप आएँ यहाँ पे और
सारे नट बोल्ट्स टाइट, ताकि कोई अगर बाइक में कोई चीज़ लूज हो तो वो वाइब्रेशन की सूरत में आती है। तो एक एक चीज़ ये अच्छे तरीके से उसे चेक कर रहे हैं।